था, तो बावजूद इसके के सारा प्रशासन, सारा वहाँ का जो मनुवादी मानसिकता का प्रशासन है या वहाँ के लोग हैं या सरकार में भी बैठे बैठे बड़े बड़े उद्योग के मंत्री हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी आपकी आवाज़ को नहीं दबा पाएंगे और आपके इंसाफ को नहीं रोक पाएंगे। उसके बाद भी इतनी हिम्मत और इतना हौसला होता है देश के संविधान और कानून के खिलाफ जाने का ऐसे लोगों में जो कि खुद संविधान की शपथ लेके पुलिस ऑफिसर बने। जी दुख की बात है कि इतने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। जी उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जितने केसेस रजिस्टर नहीं हो रहे उनकी संख्या जितने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं उनसे बहुत 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 ज़्यादा। जय हिंद साथियों, साथियों हाजिर हूँ अपने चैनल के लिए आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर। साथियों आपने आज के समय में जितने भी भारत में या यूँ कह लीजिए दिल्ली के एनसीआर में जितनी भी दलित या बहुजनों से रिलेटेड एट्रोसिटीज़ होती हैं उसमें एक नाम हमेशा उभर के आता है और वो नाम है महमूद प्राचा सर का। तो साथियों जितने भी दलितों के ऊपर बहुजनों के ऊपर आज एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं, सबसे पहले अगर आप किसी शख्स को पाएंगे वो है महमूद प्राचा सर। और आज हम उन्हीं के शानदार ऑफिस में हैं और हम गुड़गांव में हाल ही में एक शेर सिंह वाल्मीकि की जो हत्या हुई थी उससे रिलेटेड सर के विचार, सर ने जो केस फाइल किया है उसके बारे में सर से जानने आए हैं। तो पहले तो सर बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। जय भीम आप सभी लोगों को और आपके दर्शकों को भी बहुत ही प्यार भरा जय भीम। जय भीम सर। तो सर शेर सिंह वाल्मीकि केस में अभी तक क्या प्रोग्रेस है हमारी? देखिए प्रोग्रेस तो इसमें जॉइंट एक्शन कमेटी है, एक जो जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर जस्टिस विकास कांगड़ा जी हैं और दूसरे लोग हैं जो बहुत ही मजबूती के साथ इस केस को फॉलो कर रहे हैं। जी और मैं ये समझता हूँ कि ये एक मिसाल है कि अगर हमारे लोग शरुका शरू ट्राइब के लोग अगर इस प्रकार से फॉलो अप करेंगे केसेस का जी। तो बावजूद इसके के सारा प्रशासन, सारा वहाँ का जो मनुवादी मानसिकता का प्रशासन है या वहाँ के लोग हैं या सरकार में भी बैठे बैठे बड़े बड़े उहदों के मंत्री हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी आपकी आवाज़ को नहीं दबा पाएंगे और आपके इंसाफ को नहीं रोक पाएंगे। तो इस केस में भी आज कितने महीने हो गए हैं, मगर SC ST एक्ट एक मजबूत एक्ट बना हुआ है, मगर उसके बावजूद भी एक SHO साहब जो वहाँ के हैं, गुड़गांव जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, वो SC ST एक्ट ही नहीं लगाते। जबकि अगर किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति की का मर्डर हो जाता है तो उसमें धारा 3(2) के तहत SC ST एक्ट लगना अनिवार्य होता है। उसके बाद भी इतनी हिम्मत और इतना हौसला होता है देश के संविधान और कानून के खिलाफ जाने का ऐसे लोगों में जो कि खुद संविधान की शपथ लेके पुलिस ऑफिसर्स बने, ये है सबसे बड़ी दुख की बात। तो SC ST एक्ट नहीं लगाते हैं, ना विक्टिम को कोई प्रोटेक्शन मिलती है। एक तो किसी के हस्बैंड को, किसी के पिता को मार दिया जी। उसके बाद उनकी फैमिली को इतना डराया धमकाया गया कि उनको अपना घर छोड़ के पलायन करना पड़ा जी। ये है भारत की राजधानी दिल्ली के पड़ोस की बात, ये है दुर्भाग्यपूर्ण बात। और उसके बाद भी महीनों महीने गुजर जाते हैं, उसकी फैमिली कभी किसी मंत्री से मिलती है, कभी किसी संतरी से मिलती है, कभी किसी नेता से मिलती है, कभी किसी अफिसर से मिलती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर इन लोगों ने यहाँ दिल्ली में शेड्यूल कास्ट आयोग जो है जी, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा, जो एक तरह से समझा जाए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खुद जो प्रावधान रखा था वो दो ही कम्युनिटीज के लिए खुद प्रावधान रखा था, वो कमिश्नर SC और ST जी। और इसकी ताकत जो है डायरेक्ट बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दी थी कि शेड्यूल कास्ट जो कमिश्नर होगा, शेड्यूल ट्राइब कमिश्नर जो होगा वो संविधान की धारा 338 से अपनी ताकत प्राप्त करे जी। जिस तरीके से संविधान जो है ताकत देकर देता है सुप्रीम कोर्ट को, जिस तरीके से संविधान ताकत देता है दूसरे
जो हमारी पार्लियामेंट है, उसी प्रकार से संविधान SC ST कमिश्नर को भी पावर देता था, जो बाद में बदल के शेड्यूल कास्ट कमीशन बन गई, शेड्यूल ट्राइब कमीशन। बाद में संविधान की 338 धारा को में अमेंडमेंट करके OBC आयोग भी इसी के तहत बना जी। परंतु बाबा साहब ने SC ST के दोनों के लिए ये प्रावधान स्वयं रखा स्वयं, तो उसकी ताकत होने के बाद की वजह से जो हमारी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज है उनका बहुत ज्यादा जो है उम्मीद होती है शेड्यूल कास्ट कमीशन से। तो उसके बाहर जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो थोड़ी सी हरकत आई है और अब कम से कम शेड्यूल कास्ट एक्ट लगा है, परंतु आज भी ना तो उन्हें कॉम्पनसेशन मिली है जो कि कानून में लिखा है मिलनी चाहिए, ना उन्हें सुरक्षा मिली है जो कानून में लिखा है, ना ही उचित धाराएं आज भी लगाई गई बावजूद इसके के शेड्यूल कास्ट कमीशन ने संज्ञान ले लिया है। तो इतनी कानून के खिलाफ जाके हिम्मत अधिकारियों की आज भी है कि SC ST एक्ट के कानून के खिलाफ जाके आज भी, जब एक ACP साहब भी इसमें आयोग हो चुके हैं तो वो भी अभी तक सही धाराएं नहीं लगाई हैं, विक्टिम्स को प्रोटेक्शन नहीं दिलवाई है और आज तक उनको ना घर मिला है कोई, ना उनको कोई कॉम्पनसेशन मिली है। ये सब धारा 4 शेड्यूल कास्ट प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन फ्रॉम एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसके धारा 4 के तहत अपराध है। उन जो SHO साहब के खिलाफ भी सेक्शन 4 लगती है, उस आयोग जो इससे पहले आयोग साहब थे उनके खिलाफ भी लगती है, और जो आज के आयोग हैं जो अभी तक ये धारा नहीं लगा पाए उनके खिलाफ भी लगती है, और जो गुड़गांव के DC हैं उन्होंने भी अपना फर्ज आज तक भी जाके विक्टिम्स से मुलाकात नहीं की। ये फर्ज है उनका, ये कानूनी जिम्मेदारी है, ये उन्होंने आज तक मुलाकात नहीं की, ना उन्हें कॉम्पनसेशन दिया आज तक, ना उनकी जो रक्षा के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग खड़े हैं जिसमें ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट विकास कांगड़ा जी ने, जी जी, ना उनकी सुरक्षा के लिए कोई आज तक कोई सुरक्षा दी गई है, और इन्हीं सभी वजहों से आज उनकी फैमिली पे और विकास कांगड़ा साहब के ऊपर भी दबाव भी बन रहा है, उन्हें डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। तो ये स्थिति है देश में जिसके लिए हमें सबको संघर्ष करना मिलके। लेकिन जो इसमें अच्छी बात है वो ये देखिए कि इस प्रदर्शन के माध्यम से जब शेड्यूल कास्ट कमीशन नेशनल कमीशन में शेड्यूल कास्ट है जी, उसने कोशिश की तो तुरंत कम से कम एक्ट लग गया। तो अभी जब और अगर सख्ती से, सख्ती भी हम क्या कहते हैं कि सिर्फ कानून का पालन करने के लिए तो हम कहते हैं, और तो कुछ हम कहते ही नहीं जी। तो अगर कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा तो न्याय मिलेगा, और इससे पूरे देश में जो कहीं भी SC ST एक्ट ही नहीं लगाया जाता, मतलब हमारे लोगों के साथ कुछ भी जुल्म हो जाए उन पे एक्ट ही नहीं लगाती पुलिस जी। तो ये एक नई नजीर बनेगी जिसमें पुलिस के और अधिकारी भी जेल जाएंगे क्योंकि उन्होंने SC ST एक्ट का पालन नहीं किया। जो DM है जी, वो भी, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी कानूनी तौर पे क्योंकि उन्होंने SC ST एक्ट का पालन नहीं किया। तो एक अच्छी मिसाल बनेगी दूसरे अधिकारियों के लिए पूरे देश में कि वो जहां भी कोई एट्रोसिटी का केस होता है तुरंत वो SC ST एक्ट निकालें, उसको पढ़ें और उसमें जो जो भी लिखा है वो करना शुरू करें। तो ये एक अच्छी पहल होगी मेरे ख्याल से शेड्यूल कास्ट कमीशन के माध्यम से। सर आपने अभी बताया कि दिल्ली NCR से रिलेटेड, अमूमन हम पूरे भारत में कहीं भी चले जाएं दलित एट्रोसिटीज के केसेस आज के समय में पिछले अगर आप उठा के देखें 5-7 सालों में काफी तेजी से उभर कर आए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर कि ये इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, इसके पीछे की जो सोच है वो क्या हो सकती है, क्या दलित या बहुजन या जो बहुजन नेता हैं या जो उनके पीछे जो लोग हैं वो शक्तिशाली हो रहे हैं, सवाल पूछने लगे हैं, या इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? नहीं, इसके पीछे दो कारण हैं। देखिए इतने सारे केसेस जो हो रहे हैं, तो ये दुख की बात है कि इतने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं जी। उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जितने केसेस रजिस्टर नहीं हो रहे उनकी संख्या जितने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं उनसे बहुत 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 ज्यादा। यहाँ तक के हमारे लोग हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं पुलिस की के डर की वजह से, जिस पुलिस के पास उन्हें भाग के जाना चाहिए अपनी हिफाजत या सुरक्षा के लिए जी। तो जब रक्षा की भक्षक बन जाए, तो ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि अपने लोग तो पुलिस स्टेशन जाते हुए ही डरते हैं, और
ये सबसे बड़े शर्म की बात है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, पूरे देश भर के जो सबसे कमजोर लोग हैं जी। वो पुलिस के पास आते हुए डरते हैं। तो ये पूरी पुलिस के नाम पे एक बहुत ही बदनुमा दाग है हमारे देश में। तो इसमें तब्दीली लाने की जरूरत है कि किस प्रकार से ऐसे हालात हों कि जो कमजोर वर्ग है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटीज हैं, ओबीसी हैं, ये पुलिस के पास जाने में डरे नहीं बल्कि भाग के पुलिस के पास जाएं यदि इन्हें कोई भी परेशानी आती है। तो ये बड़ी, और इसमें हमारे जो नेतृत्व है, मैं कमी सबसे ज्यादा उन्हीं की मानता हूँ, क्योंकि हमारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के कम से कम जो पब्लिक है वो बहुत ही बहादुर है, ईमानदार भी है, लेकिन उनका जो नेतृत्व है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। इसीलिए इतनी मजबूत, कम से कम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए इतना अच्छा कानून होने के बावजूद भी उनकी हालत जो है बहुत ही कमजोर है। तो ये कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है। इसीलिए सभी नेताओं को जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के या माइनॉरिटीज के, उन्हें अपनी कमर कस लेनी चाहिए कि वो इतने बहादुर लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, इतने समझदार लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, इतने निडर लोगों का और ईमानदार लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो उनको न्याय दिलाने के लिए अगर वो कामयाब नहीं होते तो उनको कम से कम कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कमी उनमें ही है, पब्लिक में नहीं। अच्छा सर, जितने भी आप देखते हैं कि केसेस होते हैं, हम सबसे पहले बहुजन के साथ कोई भी एस सी एस टी माइनॉरिटी के साथ कोई भी एट्रोसिटी होती है तो सबसे पहले एक ही नाम आगे पाते हैं, महमूद राजा। तो सर आपको डर नहीं लगता कि सच्चाई से और या सवाल पूछने से सत्ता भी डरते हैं, इस चीज़ से आपको डर लगता है या क्या आपका क्या कहना है? नहीं, पहले तो ये बात आपकी गलत है कि मैं ही नजर आता हूँ, बहुत सारे और भी नेता हैं जो करते हैं और जो जेन्युइन काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मेरा नाम थोड़ा इसलिए ज्यादा आ जाता है कि प्रेस में मैं, जो हमारी सोशल मीडिया वाले लोग हैं वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो मेरा नाम थोड़ा आ जाता है सर। नेताओं के तौर पर क्रेडिट लेने के लिए तो पूरी भीड़ रहती है, लेकिन लीगली जो आप जिस तरह से बहुजनों की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं और लीगली जो टक्कर लेते हैं उन रहनुमाओं से, उन उन मजबूत ताकतों से, तो उस चीज़ से आपको कभी डर नहीं लगा? ये मैं तो एक आम एससी एसटी और जो माइनॉरिटीज की जनता है जी, मैंने अभी तो कहा था जनता बहुत बहादुर, ईमानदार और ताकतवर है जी। मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो जनता हूँ, जनता तो है ही ताकतवर, जनता बहादुर भी है, तो हमें तो डर लग ही नहीं सकता ना। और हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं जी। उस समय तो उनके साथ बहुत ही कम मुट्ठी भर लोग थे देखा जाए तो जी, जी, जी। जब वो उस समय नहीं डरे तो हम आज की, तो उनके संविधान की वजह से हालात बहुत अच्छे हैं, पुराने से बहुत ज्यादा अच्छे हैं जी। हालांकि पिछले 7 साल में क्योंकि मनुवादी ताकतें एकदम खुद स्वयं ही सत्ता पे काबिज हो गई तो हालात कुछ बिगड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने जिन हालात में काम किया बिना डरे तो उससे तो कम ही डर है, मतलब उससे तो कम ही हालात खराब है अभी तो। और डर का तो सवाल ही नहीं है, एक तो हम अपने आप को मुसलमान भी हैं, कहते भी हैं और ये भी कहते हैं कि ईमान वाले मुसलमान हैं, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी से आएगा उसको डर नहीं होना चाहिए ना शेड्यूल कास्ट।